बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग अवेलेबल एट फ्लैट 50% डिस्काउंट 27 दिसंबर को फ्लैट 50% का डिस्काउंट। और सुनो, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना मत भूलना, ख्याल रखो अपना। 50% डिस्काउंट है, जाओ मिंत्रा पर, beinghumanclothing.com, और स्टोर्स भी है ना, जाओ शॉपिंग करो, इंजॉय करो बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग। आज के वीडियो में आपको सलमान खान को सांप के काटे जाने के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सलमान खान अपने पैनल फार्म हाउस में अपनी फैमिली के साथ ये फेस्टिव सीजन एंजॉय कर रहे थे, जहां पर उनके लिए आई एक बुरी खबर। सलमान खान को एक सांप ने काट लिया था और इसी कारण उन्हें नियरेस्ट नावी मुंबई के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कुछ घंटे उन्हें केयर में रखने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि सलमान खान को जिस सांप ने काटा था वो नॉन पॉइजनस था और वो सेफ है। सलमान खान के फैंस को ये न्यूज मिलते ही सलमान खान के फैंस उनके फार्म हाउस उनकी झलक देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां इस वक्त बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के कारण किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। ऑल्दो सलमान खान ओवरऑल तो ठीक है, बट उन्हें डॉक्टर्स ने रेस्ट करने का कहा है और वो इस वक्त मेडिकेशंस पर है, क्योंकि उनकी बॉडी को इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। सलमान खान से मिलने उनके कुछ बॉलीवुड फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। 27 दिसंबर को सलमान खान की बर्थडे है और लाइक एवरी ईयर उनकी ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशंस की प्रिपरेशंस कंप्लीट हैं, और सलमान खान अपनी ये बर्थडे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं और सलमान खान भी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। बट सलमान खान की अब ये बर्थडे हो पाएगी या नहीं, ये तो सलमान खान की फैमिली ही बता पाएगी। इससे पहले सलमान खान ने बिग बॉस के सेट पर RRR मूवी की कास्ट के साथ अपनी बर्थडे का केक काटा और फैंस ने ये सब बहुत एंजॉय किया। वी विश अ स्पीडी रिकवरी टू सलमान खान। आपको सलमान खान के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।